प्यारे बच्चों, हम लोग सदिश बीजगणित में विविध अभ्यास कर रहे हैं, अंतिम अभ्यास। इसमें क्वेश्चन नंबर आप को हम 12 तक बता चुके हैं। अब 12 के आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 संकेत कर दे रहे हैं, 14 आपको बताते हैं, कुछ आप करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कैसे करेंगे। संकेत कर रहा हूं मैं आपको, एक्सरसाइज 10 विविध। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है सदिश, मान लेते हैं जो सदिश कह रहा है, सदिश इतने का, सदिशों इतने इतने का के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहला सदिश प्रश्नानुसार हमने जो दिया हुआ है, हमने माना जो सदिश पहला दिया हुआ वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर को हमने बी मान लिया, माना वेक्टर बी है 2i प्लस का 4j माइनस का 5k, और तीसरे वेक्टर को सी कह दिया, दिस इज लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। हमको करना क्या है इसमें, मैं इसमें संकेत कर रहा हूं, करना क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा है बी और सी के योग का मात्रक सदिश। बी और सी सब माना, इस बी और सी का योग यानी वेक्टर डी बराबर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर डी ज्ञात करिए। सबसे पहले यूनिट वेक्टर डी, बी और सी ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर डी बराबर वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर डी। यहां से आप ज्ञात करेंगे वेक्टर डी कैसे आएगा, दोनों का योग, और फिर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश इतना माने पहला सदिश ए के साथ इन दोनों के योग का मात्रक सदिश ए का और इसके मात्रक सदिश का जो अदिश गुणन है यानी डॉट प्रोडक्ट, अर्थात ए डॉट डी का मान जो है 1 के बराबर है, तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो आप ये यहां से ये निकालने के बाद ए और डी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो लैम्डा का मान अपने आप आ जाएगा। इसको आप ऐसे ही करेंगे, ठीक। हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे सिद्ध करना है, प्रूव दैट यदि ये सबसे पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है क्या दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी ये समान परिमाण के हैं, समान परिमाण के हैं, अर्थात तथा परस्पर लंब भी है, तथा परस्पर लंब सदिश है। तो आप देखिए, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी, ये बराबर दिया हुआ है और परस्पर लंब है, यानी कि ए परपेंडिकुलर टू बी और ए परपेंडिकुलर टू सी और बी परपेंडिकुलर टू सी, ए बी पर लंब है, ए सी पर भी है, बी सी पर भी है, ए बी पर भी, यानी तीनों परस्पर लंब है, तो इसका अर्थ ये वो तीनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब आइए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्रूव दैट कि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी ये जो सदिश है, सदिश ये सदिश किस सदिश के साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ के सा,
बराबर झुका हुआ है के साथ बराबर झुका है, अर्थात इन ए के साथ इसका, बी के साथ इसका और सी के साथ इसका, ए और इसके बीच का कोण वही होगा जो बी और इसके बीच का है जो सी और, यानी इन ए और इस वेक्टर का, बी और इस वेक्टर का, सी और इस वेक्टर के बीच के कोण बराबर है, तभी ये बराबर झुका हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ। यहां पे सबसे पहले हम वेक्टर ए का वेक्टर ए बी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बराबर क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरफ आएगा ए डॉट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है वो क्या है, सदिश सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच का कोण है। अब देखिए, अब इधर डॉट प्रोडक्ट ये कहां से आया, ये आया परिभाषा से, आपकी परिभाषा जानते हैं कैसी परिभाषा, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो ये डॉट इतना बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ इतना और फिर इनके बीच का कोण इतना। अब आप देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और इधर आपके पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा। तो यहां ए डॉट ए आप जानते हैं सूत्र बता चुके हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये जीरो होगा और ए भी जीरो होगा, ये बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहां से एक पावर ए कम हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी ए प्लस बी प्लस सी, ये तो इस तरह से, या ये कोण आ गया, या इसको कह सकते हो थीटा बराबर कॉस इनवर्स मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसी प्रकार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सदिशों वेक्टर बी व सी के साथ अदिश गुणन लेने पर, अदिश गुणन करने पर हमें थीटा बराबर कॉस इनवर्स मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यहां पर ये वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी आपस में बराबर है, और ये बराबर ये तथा थीटा बराबर कॉस इनवर्स जब सी के साथ करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ
वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और वेक्टर सी चूंकि तीनों बराबर है तो मॉड ऑफ वेक्टर सी की जगह क्या रख देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि वेक्टर ए बी व सी सदिश वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के से के साथ बराबर कोण बनाता है, बराबर कोण बनाता है, अर्थात अर्थात दिए गए सदिश से बराबर झुका हुआ है, दिए गए सदिश से बराबर झुका है, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आप खुद ही करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट बी बराबर जीरो होगा क्योंकि दोनों परस्पर लंब है और ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है और ए डॉट बी बराबर ग्रेटर देन जीरो। ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है। ये प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और इनके बीच का कोण थीटा है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप कह रहा है थीटा का मान क्या होगा, तो चूंकि ये पॉजिटिव आप जानते ये धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कॉस ये दो पॉजिटिव है और ये पूरी चीज पॉजिटिव है, ये पूरा मान धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो थीटा का मान जीरो, यहां चूंकि थीटा क्या होता है, थीटा का हम किसके बीच में होता है, थीटा होता है जीरो से पाई के बीच में, परंतु थीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, इसके लिए थीटा का जो मान होगा वो फर्स्ट चतुर्थांश में अर्थात जीरो से पाई बाई टू। जीरो से पाई बाई टू मीन्स कुछ बी पार्ट सही है, बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 17वां क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी दो मात्रक सदिश दिए हुए हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर एक मात्रक ये दिया हुआ है, उनके बीच का कोण थीटा है, तो और ये भी दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर वन, ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, वेक्टर ए व बी के बीच का कोण बराबर थीटा, तो व्हाट इज थीटा, थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर बराबर वन, और आप सूत्र जानते हैं किसी भी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर का अर्थ होता है उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वन। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर वन, या मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस
ए डॉट बी, और ये चूंकि क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है अदिश गुणन में, इसमें ये भी ए डॉट बी प्लस वन बराबर वन। तो ये रुकिए, पहले प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर वन, तो मॉड ऑफ ये आप जान रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स यहां पर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर वन। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक मात्रक है, तो ये एक का स्क्वायर प्लस टू इसका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस एक का स्क्वायर बराबर वन, क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर यानी वन और टू, और यहां मॉड ए का मान भी वन, यहां भी वन, वन इंटू कॉस थीटा प्लस वन बराबर वन, ये वन से वन कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपके पास आएगा टू कॉस थीटा प्लस वन बराबर जीरो, तो कॉस थीटा बराबर माइनस वन बाई टू, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टू पाई बाई थ्री, ये आंसर होगा, यानी आपका क्वेश्चन टू पाई बाई थ्री डी सही है, डी डी सही है, ये आएगा। आइए जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको इसका मान ज्ञात करना है, वेक्टर आई डॉट जे क्रॉस के प्लस वेक्टर जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये सूत्र बता चुके हैं हम, जे क्रॉस के बराबर आई होता है तो आई डॉट आई हो जाएगा, जे यहां पे आई क्रॉस के ये उल्टी दिशा में, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, तो ये माइनस जे होगा प्लस के डॉट यहां के होगा, तो आई डॉट आई वन और यहां पर भी जे डॉट जे वन और ये माइनस वन बाहर, यानी माइनस का वन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का जे डॉट जे, ऐसे भी कर सकते हैं प्लस का वन यानी टू, और यहां जे डॉट जे वन होगा, टू माइनस वन बराबर वन, तो कौन सा विकल्प इसका सही है, सी आंसर आएगा सी। और अंतिम क्वेश्चन 19 है, दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है, दो सदिशों ए व बी के बीच का कोण थीटा है, तो आपको कह रहा है ये भी दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है, परिभाषा लगा दीजिए, इसकी परिभाषा से क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और फिर पूरे का मॉड बराबर यहां पे इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, इस पूरे का मॉड, ये तो मॉड पहले से है तो इसी रूप में बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ साइन थीटा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर एन, ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए कट गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी कट गया, मॉड ऑफ कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ साइन थीटा बराबर इंटू वन, या ये कह सकते हो कि ये साइन थीटा वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा, या दोनों तरफ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेन थीटा बराबर वन, यानी टेन थीटा बराबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा बराबर पाई बाई फोर, तो इसका आंसर आएगा बी, बी जो है सही है। तो इस तरह से सदिश बीजगणित आपका
चैप्टर पूरा हो गया। कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति। धन्यवाद।